सो बड़ी आज हम खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र के जो लास्ट पार्ट 6 है प्रतिस्पर्धा रहित बाजार के कुछ कह सकते हैं पूरे चैप्टर कवर करेंगे और उसमें उसके मेन नोट्स को हम कवर करते हुए चलेंगे। सो सबसे पहले एक आम आदमी के लिए बाजार का तात्पर्य कैसे स्थान विशेष से होता है जहाँ वस्तुओं का क्रय और विक्रय होता है, अर्थात वह स्थान जहाँ लोग एकत्रित होकर वस्तुओं को खरीदते बेचते हैं। तो सब बाजार वह ऐसे स्थान जहाँ पर लोग वस्तुओं का एक्सचेंज करते हैं और चीज़ों को खरीदते हैं, चीज़ों को बेचते हैं। अर्थात में बाजार से अभिप्राय उस समस्त क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता व विक्रेता स्वतंत्र रूप से संपर्क में आते हैं तथा वस्तु की कीमत सुगमता व शीघ्रता से समान होने की प्रवृत्ति रखती हो। बाजार के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं? वस्तु जिसे बेचे वो खरीदा जाएगा, क्रेता तथा विक्रेताओं में स्वतंत्र संपर्क हो, क्षेत्र होना चाहिए, कीमत एक होने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। ये कुछ बाजार के मुख्य तत्व हैं। और बाजार संरचना की निर्धारक प्रवृत्ति क्या है? क्रेता व विक्रेताओं की संख्या या बहुत अधिक है कम है, केवल एक है। वस्तु की प्रगति पर निर्भर करता है कि वस्तु समरूप है या विभेदीकृत है। वस्तुओं और साधनों की गतिशीलता, वस्तु में एवं साधन गतिशील है या स्थिर है। प्रवेश तथा बहिर्गमन की स्वतंत्रता, यानी बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन या प्रवेश या बहिर्गमन पर रोक टोक है। एकाधिकार का अर्थ व विशेषताएँ, क्या मतलब एकाधिकार का और क्या विशेषताएँ? तो एक ऐसा बाजार जहाँ पर किसी वस्तु का एक ही विक्रेता हो और कह सकते ऐसे उत्पाद बनाता है जिसका कोई निकटता प्रतिस्पर्धा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, भारत में रेलवे पर सरकार का एकाधिकार है। इस स्थिति में फर्म और उद्योग के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है क्योंकि व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति बराबर हो जाती है। क्या विशेषता है एकाधिकार की? तो एक ही विक्रेता और बहुसंख्यक क्रेता होंगे। फर्मों के प्रवेश पर भारी प्रतिबंध होगा। निकटतम स्थानापन्न की अनुपस्थिति होगी और कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होगा। कीमत विभेदीकरण की संभावना होगी और दीर्घकाल में भी असमान लाभ संभव होगा। अब बात करें एकाधिकार बाजार का जन्म कैसे होता है? तो सरकार द्वारा लाइसेंसी के नियंत्रण के द्वारा, व्यापार गुड़ बनाकर होता है या पेटेंट द्वारा या प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता द्वारा। बात करें एकाधिकार प्रतियोगिता का अर्थ और विशेषताएँ की, तो इस बाजार में किसी वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं परंतु प्रत्येक विक्रेता का उत्पादन अन्य विक्रेताओं के उत्पाद से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है। वस्तु को विधिकृत किया जाता है जिससे उत्पादक को अपने उत्पाद की कीमत पर आंशिक नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए साबुन उद्योग, मसाले उद्योग, टूथपेस्ट उद्योग आदि। क्या विशेषता है एकाधिकार प्रतियोगिता की? तो क्रेता विक्रेताओं की अधिक संख्या होती है, वस्तु विविधीकरण होता है, गैर कीमती प्रतियोगिता होती है, प्रवेशता बारीकी स्वतंत्र होती है, पूर्ण ज्ञान अभाव होता है, बिक्री लागत की उपस्थिति होती है। बात करें अल्पाधिकार का अर्थ और विशेषता है। तो अल्पाधिकार जब कहेंगे जब बाजार का रूप जिसमें वस्तु के कुछ ही विक्रेता और बड़ी संख्या में क्रेता हों जो एक दूसरे के उत्पाद के निकटतम प्रतिस्थापन का उत्पादन करते हैं, जिसके परिणाम से प्रत्येक विक्रेता के पास बाजार मांग का एक बड़ा हिस्सा होता है। जब प्रत्येक विक्रेता का निर्णय अन्य विक्रेताओं को प्रभावित करता है, अतः विक्रेताओं के बीच अंतर निर्भरता बहुत होती है। इस बाजार में गहन या कठोर प्रतियोगिता पाई जाती है। अल्प स्तर पर विक्रेत लागतें भी खर्च की जाती है। भारत में कार उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, सॉफ्ट ड्रिंक के अल्पाधिकार के लक्षण दिखाई देते हैं। बात करें विशेषताओं की, तो यहाँ पर विक्रेताओं की छोटी संख्या जो बड़े स्तर पर कार्यरत होते हैं, आत्मनिर्भरता पर उच्च स्तर, फर्म में मांग वर्ग के निर्धारण में कठिनाई होगी या व्यापार गुटों का निर्माण होगा, प्रवेश में बाधाएं होगी, गैर कीमत प्रतियोगिता होगी। बात करें अल्पाधिकार बाजार के प्रकार की, तो दो प्रकार के होते हैं, गठबंधन के आधार पर गठबंधन व सहयोगी अल्पाधिकार और गैर गठबंधन व गैर सहयोगी अल्पाधिकार। उत्पाद के आधार पर पूर्ण अल्पाधिकार और अपूर्ण अल्पाधिकार में वर्गीकृत किया जाता है। सहयोगी अल्पाधिकार, असहयोगी अल्पाधिकार। तो जब अल्पाधिकार कवर जिसमें सभी फर्म आपसी या सहयोग अधिकारी पर उत्पादन की मात्रा मुख्यमंत्री निर्धारित करते हैं, तो सहयोगी अल्पाधिकार कहते हैं। और जब अल्पाधिकार कवर जिसमें कीमत व उत्पादन को मात्रा निर्धारित करते समय फर्मों के बीच सहयोगी भी व्यापार की अपेक्षा प्रतियोगी व्यापार होता है, तो प्रत्येक फर्म अपनी प्रतियोगी फर्मों की प्रक्रिया को ध्यान में रखती है। पूर्ण अल्पाधिकार में सभी फर्में सजातीय वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, पूर्ण अल्पाधिकार में विजेता वस्तुओं का। बात करें बाजार के विधानपूर्ण रूप की तुलनात्मक अध्ययन की, तो हमारे सामने टेबल बनी हुई है, इसमें सारी चीज़ें ठीक है, लोच से लेकर के पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिक प्रतियोगिता, अधिकाधिकार और अल्पाधिकार, सारी चीज़ें हमारी ये टेबल है। सो आप टेबल पर लेकर के पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू।